Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to, we've got nothing to lose. You're looking so old. Namaste, I'm Priyanka, and once again, welcome back to my channel. हमारे घर में कुछ ऐसी जगह होती है जिसे हम ये सोचकर नजरअंदाज करते रहते हैं कि इस जगह को ऑर्गेनाइज करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसी में से एक जगह है यूटिलिटी एरिया, जहां पर हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, वॉशिंग मशीन रखते हैं और जो हमारे डेली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइपर या मॉप हम यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर आप यूटिलिटी एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो इसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, अगर चीजें ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है तो वो हमें टाइम पर मिल जाएंगी और हम इससे बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। सेकेंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका यूटिलिटी एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बड़े साइज का एक सेपरेट यूटिलिटी एरिया मिले जहां पर आप वॉशिंग मशीन, ड्रायर या फिर जो अभी आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको एक सेपरेट स्पेस देकर, कपबोर्ड देकर ऑर्गेनाइज करके रख सके। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से एक छोटी सी यूटिलिटी बालकनी है तो थोड़ा सा अगर स्मार्टली आप प्लान करेंगे, थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो आप इस एरिया को भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में जो मेरा यूटिलिटी एरिया है उसे किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि वो ऑर्गेनाइज भी लगे एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। तो ये है हमारी छोटी सी यूटिलिटी बालकनी और इस तरीके के छोटे यूटिलिटी स्पेस के साथ में आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। काफी टाइम पहले मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर करा था यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर हमने बात करी थी इस ओपन शेल्फ की, जिसको आप वॉशिंग मशीन के ऊपर रख के डेली एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट विद टाइम नीड चेंजेस और हमने सोचा कि हम इस ओपन शेल्फ को रिप्लेस करेंगे इस तरीके के कबर्ड के साथ में। इसे बनाने के लिए हमने WPC यूज करा है जो एकदम वाटर रेजिस्टेंट होता है। क्योंकि इस बालकनी में एक भी वॉल्स नहीं है तो इस कबर्ड को फिक्स करने के लिए हमने रेलिंग के ऊपर लोहे के एंगल लगाए ताकि जिसके ऊपर हम अच्छे से इस कबर्ड को फिक्स कर पाए। अब ये कबर्ड एकदम रेंटर फ्रेंडली, आप जब चाहें इसे मूव कर सकते हैं जहां भी आप शिफ्ट हो रहे हैं। अब इन पाइप्स को कवर करने के लिए हमने एक एल्यूमिनियम की शीट लगाई है ताकि वो देखने में अच्छा लगे और इस पाइप को हम बेटर वे में यूज कर पाए इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज ऐड करने के लिए ये थोड़े बहुत चेंजेस थे जिसे हमने यहाँ पर करे हैं। अब ये जो कवर्ड है इसके लिए हमने नया WPC बोर्ड यूज नहीं करा है। कुछ टाइम पहले हमने किचन में कुछ चेंजेस करवाए थे तो वहां से जो WPC निकला था उसको हमने यहाँ पर यूज करा था इस कवर्ड को बनाने के लिए। क्योंकि ये पुराना WPC बोर्ड है तो देखने में उतना ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगाया है फ्रंट में और साइड पर। अंदर की तरफ भी मैंने वॉलपेपर लगाया है और आप यहाँ पर देखोगे कि रैंडमली जो भी वॉलपेपर घर पर बच गए थे, लेफ्ट ओवर थे, उनको मिक्स एंड मैच करके मैंने शेल्फ में और वॉल्स पे लगा दिया है ताकि देखने में भी सुंदर लगे और उसे क्लीन करना भी इजी हो जाए। और यहाँ पर डोर पे मैंने एक मॉप होल्डर फिक्स करा है जहां पर हम छोटे मॉप्स और जो हमारे ब्रशेस होते हैं उन्हें हैंग करके रख सकते हैं। तो ये कुछ ओवरऑल लुक है। इस तरीके की बास्केट शेल्फ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें हम फिल करने वाले हैं लिक्विड डिटर्जेंट, इन स्लीक बॉटल्स में हमारे वेनेगर और फैब्रिक सॉफ्टनर, स्टॉल कंटेनर में जाएगा हमारा डिटर्जेंट पाउडर और कुछ और बॉक्सेस और बास्केट रैंडम क्लीनिंग सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज दीज काइंड ऑफ कंटेनर्स जिसे यूज करने के लिए आपको बार बार कैप को अनस्क्रू करना पड़े, बिकॉज अगर शेल्फ की हाइट छोटी होगी तो आपको एक कंटेनर बार बार बाहर निकालना पड़ेगा यूज करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज द कंटेनर्स जिसमें की फ्लैप हो और फ्लैप भी आपका इस तरीके से होना चाहिए जो एक तरफ से फिक्स्ड हो ताकि आप इसे इजिली ऑपरेट कर पाए। अगर फ्लैप फिक्स नहीं होगा तो बार बार आपको लिड को ओपन करना पड़ेगा जो कि आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के कंटेनर्स अगर आप यूज करेंगे तो बहुत इजीली आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे। ये प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें कि टैप लगा हुआ है और इसके अंदर मैं फिल करने वाली हूँ लिक्विड डिटर्जेंट। तो पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे थे जिसमें कि ग्लास कंटेनर टैप वाला उसमें लिक्विड डिटर्जेंट फिल करते हैं। वो लॉन्ड्री रूम घर के अंदर होते हैं बट मुझे बालकनी में रखना था, तो एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर्स आर द बेस्ट
और पैसे भी बहुत सारे सेव हो जाते हैं। एक और फ्लैप वाले छोटे कंटेनर के अंदर बोरॉक्स, सेम एक और कंटेनर के अंदर मैंने रखा हुआ है पीताम्बरी। तो ये है प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जिसके अंदर मैं डालने वाली हूँ फैब्रिक सॉफ्टनर। तो फर्स्ट बॉटल में जा रहा है कंफर्ट, जिसे हम यूज करते हैं जब भी हम ब्लैंकेट या पिलो क्लीन करते हैं तब, और जो हमारे डेली वॉश होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वेनेगर एज अ फैब्रिक सॉफ्टनर। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इस तरीके के स्टिकर्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो भी आपके कंटेनर्स हैं उस पर आप परमानेंट मार्कर की हेल्प से भी लेबलिंग कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके के बास्केट्स परचेज करी हैं। फर्स्ट, इसमें एक हैंडल है जो कि बहुत इजी बना देता है इसको यूज करने के लिए। सेकंड, इसमें एक स्लॉट गिवन है जहां पर मैं लेबलिंग कर सकती हूँ। तो इस फर्स्ट बास्केट के अंदर जो भी हमारे वॉशिंग से रिलेटेड या क्लीनिंग से रिलेटेड एसेंशियल्स हैं उन्हें मैं रख रही हूँ, जैसे कि इजी, डिटर्जेंट पाउडर, वेनेगर, कम्फर्ट, बोरॉक्स, पीताम्बरी। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं सेम टाइप्स की बास्केट्स यूज करूं ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे न्यू स्क्रबर्स हैं मैं उन्हें एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख रही हूं। कुछ और बास्केट्स क्लीनिंग एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस फर्स्ट बास्केट में जा रहे हैं हमारे किचन क्लीनिंग स्प्रे बॉटल्स, तो सारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो गए। सेकंड में जो हमारे डेली यूज के लिए होते हैं जैसे डिश वॉश या फ्लोर क्लीनर, और इस बास्केट के अंदर जो भी हमारे फ्लैट मॉप की रिफिल्स होते हैं मैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एक और सेम टाइप की बास्केट ही यूज करी है, थोड़ी सी ब्रॉड है, जिसके अंदर सारे के सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। कुछ मिसलिनियस चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि ये मेरे माइक्रोफाइबर डस्टिंग ग्लव्स, ये DIY के लिए जो मैं प्लेट यूज करती हूँ, और ये एक स्पिन मॉप का रिफिल है उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये एक पुराना हैंड सैनिटाइजर का बॉटल है जिसमें कि मैंने सिल्वर क्लीनर रखा हुआ है, क्योंकि इसमें पंप है तो इसे इस कंटेनर में निकालना इजी हो जाता है, और वापस इस कंटेनर से इस बॉटल में डालने के लिए एक फनल। ये कुछ न्यू ड्रेन क्लीनर के पैकेट्स हैं जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरीके से इलास्टिक बैंड लगा करके यहाँ रख दूंगी। ये एक बड़ी सी बास्केट है, डीप बास्केट है, जिसके अंदर मैं जो भी मेरा न्यू स्टॉक है उसे ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रख रही हूँ। डेली एसेंशियल के साथ में मैंने इस बास्केट को लेबल करके फर्स्ट शेल्फ में रख दिया है, जहां पर जो भी हमारे डेली एसेंशियल्स हैं वो इस कॉर्नर पे मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिए। अब हम थोड़ा सा राइट की तरफ चलते हैं। तो ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें कि आप कंडे बोल सकते हैं या उपले बोल सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ रखे जो कि हमें पूजा के टाइम पर नीड होती है, तो मैंने यहाँ पर उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखा है। फ्रंट में जो हमारा लिक्विड डिटर्जेंट था उसको रख दिया है, इसे यूज करने के लिए इसको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ शिफ्ट करके इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बास्केट को जिसमें कि हमने एक्स्ट्रा स्क्रबर्स डाले हुए थे तो मैंने उसको लेबल करके अब इसे हम यहाँ पर एकदम लास्ट में कॉर्नर पर रख देंगे। एक और ऑल्टरनेट वे, आप इस तरीके के कुछ राइजर प्लेट यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप जो लिक्विड डिटर्जेंट जो टैप वाला बॉटल है उसको रख सकते हैं। इसको रखने से आपको बार बार इसको अंदर बाहर पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कुछ इस तरीके से इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मिडिल शेल्फ में सबसे पहले हमारी किचन एसेंशियल वाली बास्केट, नेक्स्ट ये डेली क्लीनिंग एसेंशियल, इसमें हैंडल है जिसकी वजह से इसे पुल इन और पुल आउट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें इस बास्केट में हमने जो हमारे फ्लैट टॉप मॉप के रिफिल्स थे उन्हें रखा है, और लास्ट वाली बास्केट में हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। अगर आप न्यू स्टॉक कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपको बैक में से अगर कोई बॉटल निकालनी है तो उसके लिए आपको फ्रंट की सारी बॉटल्स रिमूव करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपको उसको बार बार रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक बड़े से बास्केट के अंदर इस तरीके से सारा न्यू स्टॉक रख दें, बस आपको इसे पुल आउट करना पड़ेगा, चीजें निकालें एंड वापस पुश इट बैक। और लास्ट में हमारी ये वाली बास्केट जिसमें हमारा जो मिसलेनियस चीजें थी उनको हमने ऑर्गेनाइज करके रखा था। अब इन ब्रशेस को हैंग करने के लिए मैंने जिप टाई को यूज करा है,
और ये सारे ब्रशेस मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। जो हमारा बेसिक यूटिलिटी एरिया को ऑर्गेनाइज करने का काम था वो इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के बाद में खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और इस एरिया को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन के ऊपर एक कवर लगाया है और वॉशिंग मशीन की साइड में थोड़ा सा और यूटिलिटी ऐड करने के लिए ये एक कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बास्केट जिसको कि मैंने यहाँ पर फिक्स करा है। थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल प्लांटर, बिकॉज उतना ज्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पर, और इसमें मैं डालने वाली हूँ सारे के सारे क्लॉथ पिंस। जब भी मैं डोरमैट्स वगैरह ड्राई करती हूँ तो मैं इन क्लिप्स को यहाँ से पिक कर पाऊँ। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एड अ बोर्ड जिसमें कि हमारा लॉन्ड्री रूम वाला साइन बोर्ड जैसा कुछ ऐसा हो। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक MDF का राउंड बोर्ड जो कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था उसे यूज करा। इसमें मैंने व्हाइट पेंट किया और इस तरीके के जो अल्फाबेट वाले लेटर्स होते हैं ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने लॉन्ड्री रूम लिखा है और इस लॉन्ड्री के ऊपर मैंने स्केच पेन यूज करा है ब्राउन कलर का कलर करने के लिए। आप चाहे तो एज इट इज रख सकते हैं, अगर आप ब्लैक कलर कर रहे हैं MDF बोर्ड के ऊपर तो आप उसे एज इट इज भी रख सकते हैं। और स्केच पेन से जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें लिखना चाहें आप मैंने वो लिख दी है। स्केच पेन से मैंने पहले सिर्फ एक स्टेंसिल जैसा बनाया और उसके बाद में मैंने रेड एक्रेलिक कलर से उसको परमानेंट जैसा कर दिया। यहाँ पर दो मैंने क्लिप्स लगा दिए ताकि देखने में थोड़ा सा और भी ज्यादा सुंदर लगने लगे, और इस तरीके से कुछ हमने इसे फिक्स कर दिया। वॉशिंग मशीन के लेफ्ट साइड में ये जो स्पेस है जिसे आपने पहले भी वीडियो में देखा है जहां पर हमने एल्यूमिनियम शीट लगाई थी, मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा और डेकोरेट करा जाए। तो उसके लिए मैंने इस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स निकाले जिसमें हमने लिखा हुआ है वॉश फोल्ड ड्राई एंड रिपीट। और मैंने जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट निकाला था बिकॉज मैं अपने मनपसंद का कलर यहाँ पर फिल करना चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने नॉर्मल जो हमारे स्केच पेन्स होते हैं उनका ही यूज करा है और कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से जो मुझे चाहिए था मैंने उसे कलर करा। और फिर जो भी पुराने फ्रेम्स पड़े हुए थे उनको इन पिक्चर्स के साथ में रिप्लेस करके यहाँ पर फिक्स कर दिए। ये क्लॉथ हैंग करने के लिए एक रॉड है जहां पर मैं माइक्रोफाइबर डस्टर, मॉप्स, डस्टिंग पैड्स, डस्टपैन और कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस हैंग कर रही हूँ। यहाँ पर एक डस्टबिन रखा है जिसमें कि हम ड्राई वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं फ्रंट साइड में, तो ये एक मॉप होल्डर था जो कि ओवर द टाइम यूज कर करके खराब हो गया और उसमें हम मॉप्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक DIY प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर था, उसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है प्लास्टिक बैग्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो ये एक पैंट हैंगिंग हैंगर है। तो बेसिकली इसकी सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि ये जो रॉड्स हैं ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती हैं, विच मेक्स इट वेरी वेरी इजी कि आप इसको बहुत आराम से स्पेस को एक्सेस कर पाए और जब यूज ना हो तो इसे आप वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पोछा लगाते हैं तो जो हमारे मॉब्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए ये मुझे एक बेस्ट ऑल्टरनेट लगा। इंस्टेड ऑफ यू नो हैंगिंग देम ऑन द रेलिंग आप इस तरीके से इस हैंगर का यूज कर सकते हैं। और ब्रूम को कुछ इस तरीके से हैंग करने की जगह मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आप भी आपके छोटे से यूटिलिटी एरिया को या फिर लॉन्ड्री रूम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे आइडियाज डेफिनेटली मिले होंगे। अगर आप इन आइडियाज को फॉलो करते हैं तो प्लीज अपनी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next time with another video. Till then, enjoy and bye-bye.